अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। तो सुबह सुबह मैंने देखा कि दूध वगैरह ख़त्म हो गया था और साबूदाना बनाना था, तो सिंगदाना भी बहुत थोड़ा सा था। तो मैंने फटाफट से इंस्टामार्ट से, स्विगी से दूध मंगा लिया, टमाटोज़ और फली की सेंग दाल बनाने के लिए। मगर हमने आज दाल नहीं बनाई, साबूदाना हमने बहुत लेट बनाया क्योंकि हम सब लेट उठे। मेरे घर में शादी थी मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर की, तो बहुत लेट हो गया था उठने में, थक गए थे बहुत, मतलब वलीमे में गए थे। तो बस उठने के बाद में फटाफट से मेरी बहन ने साबूदाना की खिचड़ी बना दी, क्योंकि सुबह खाना बनाने की टाइम उसकी है। मैं अपनी मम्मी के पास आई हूँ, तो उसकी अभी शादी नहीं हुई है, दुआ करो जल्द से जल्द उसकी भी शादी हो जाए, क्योंकि लड़का हम लोग देख चुके हैं और बात चल रही है। तो उसने फटाफट से साबूदाना की खिचड़ी बनाई और मैं रिकॉर्ड कर रही थी करके चिढ़ रही थी कि हट जा, मुझे बनाना है। तो फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग की क्योंकि आज मुझे फुल डे का व्लॉग डालना था। तो आज तो मेरे साथ आज मुझे फुल डे का व्लॉग डालना था और आज मेरे साथ इतना इंसिडेंट हुआ है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मैंने मेरा फटाफट से, जो मैं रोज़ दूध पीती हूँ, मुझे ये दूध पीना बहुत पसंद है, काजू बादाम पिस्ता का मैंने पेस्ट बना के रखा है वो, और हल्दी और शक्कर डाल के मैं दूध में पीती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है पीना। मुझे चाय कॉफ़ी पीना बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं इसको स्किप भी कर देती हूँ काफ़ी टाइम, बट मुझे पसंद है। और फिर हम लोग के खिड़की में कबूतर आते हैं खाना खाने के लिए, तो ये हमारा रोज़ का काम ही, हमको डालना पड़ता है। तो नहीं डालेंगे तो बेचारे लोग आगे हम लोग को रिमाइंडर देते रहते हैं कि खाना डालो। डब्बे पे बैठ बैठ के मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो बस साबूदाने की खिचड़ी बन गई, उतने में मेरी मालिश करने के लिए आंटी आ गए। एक्चुअली मुझे बॉडी में बहुत पेन था, तो मैंने आंटी को बुलाया है, शोल्डर में मेरे को बहुत पेन हो रहा है इसीलिए। तो बस हमने फटाफट से खा के ख़त्म किया, उसके बाद में बहुत वर्क था, मुझे काम था, मैंने किया और सब करने के बाद जब शाम हो गई, दोपहर का लंच हमने वही साबूदाना ही किया, तो उसके बाद हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया, डायरेक्ट फिर हमने शाम में चाय बनाई। मैं और मम्मी घर में थे, अकेले थे, अंडे वाले अंकल आए तो मैंने उनसे अंडा और एक ये क्रीम पाव ले लिया चाय पीने के लिए। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ जैसे कि मैंने तुम लोगों को बता दी, बट मुझे कभी कभी ऐसा मन होता है बटर खारी वगैरह खाने का, बन वगैरह खाने का, तो मैं चाय बना लेती हूँ, सिर्फ खाती हूँ, चाय पीती नहीं हूँ। तो बस मम्मी और मेरे लिए, अपने लिए मैंने फटाफट से चाय बना ली। तो चाय बनाने के बाद हम लोग दोनों ने बहुत सारी बातें करी, बातें करते करते मैंने मम्मी को चाय दी और फिर हम लोग दोनों ने बातें करते करते, एक इसमें दो बन रहे थे तो एक मम्मा ने ली, एक मम्मा को मैंने दी और एक मैंने ली, हम लोग दोनों ने बातें करते करते चाय नाश्ता ख़त्म किए। फिर उसके बाद मैं बताना भूल गई कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। तो मैं नीचे गई तो मैंने नीचे से आम करवंदे वगैरह ले किया, मैं आज अंडे का सालन बनाने वाली थी इसलिए मैंने अंडे वाले अंकल से अंडे का अंडा ली थी। तो फिर बस आने के बाद मैंने करवंदा और मम्मी को भी दीदी खाए पिए, फिर फटाफट से मैंने सालन बनाने के लिए स्टार्ट किया। तो इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया और चार्ज ही नहीं हो रहा, तो मेरे को अर्जेंट नीचे जाना पड़ा और आधा वीडियो मैंने इसमें बना चुकी थी, अब मैं दूसरे फ़ोन में कैसे बनाऊँ, इसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ा। फटाफट से मैंने चार्जर लेके आई, तो आते आते मुझे करवंदा और आम दिख गए, तो मैंने ख़रीद के लेके आ गई। फिर आने के बाद में मैंने जो होल्डर होता है मोबाइल का स्टैंड, जिसमें लगा के हम सारे रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें लगा के मैं यही रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैंने एग वगैरह सब तेल में, तो पता है आप लोगों को क्या हुआ है मेरे साथ में, क्या इंसिडेंट हुआ है, मेरा फ़ोन तेल में गिर गया, इतना गंदा वाला। अच्छा हुआ कि अल्लाह का शुक्र है फ़ोन को मेरे कुछ हुआ नहीं, अब तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, बट अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, अल्लाह करे ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा वीडियोज़ है, सब वो हट जाएगा, सब हटाना पड़ेगा, फिर फ़ोन बनाना पड़ेगा, बट नहीं हुआ कुछ भी। फिर फटाफट से मैंने अंडे का सालन बना ली। अंडे का सालन में हम लोग यही सब डालते हैं, बस खोबरा आज नहीं था तो मैंने खोबरा नहीं डाली, थोड़ा सा खोबरा भी हम लोग डालते हैं ताकि ग्रेवी अच्छी
गाढ़ी बने करके, बट आज मैंने विदाउट खोबरे के बनाई हूँ। बट मैंने खा के देखी, बहुत अच्छा टेस्टी बना था। तो मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाई क्योंकि बहुत कंटाला था, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो बस फटाफट से सालन चावल मैंने बना ली और बनने के बाद मैं लेके बैठ गई खाने के लिए। आज का मेरा वीडियो बस इतना ही था। इंशाल्लाह मैं आज नहीं, मतलब कल से रोज़ वीडियोस डालूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो और बहुत सारा प्यार दो। अल्लाह हाफिज़।